शहर की सुरक्षा में सेंध लगाकर चोर उचक्के पुलिस और पब्लिक को हैरान परेशान करने में लगे हुए हैं। फिर भी पुलिस कहती है कि सुरक्षा चाक चौबंद है। रात के अंधेरे में वाहनों और घरों में चोरी होना जहां पुलिस प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है, वहीं शहर में अपराध के ग्राफ को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। मंगलवार रात सदर कोतवाली थाना अंतर्गत कालाबाग कॉलोनी में वाहन चोरों ने घरों के बाहर खड़ी लगभग एक दर्जन से ज्यादा कारों के ताले तोड़े, पर एक कार चोरी करने में सफल हो पाए। चोरी की सूचना पर सदर कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र गंगवानी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर क्षेत्रवासियों से जानकारी ली। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित राज कपूर ने बताया कि बीती रात घर के बाहर मारुति जैन कार खड़ी थी, जो सुबह उठने पर नहीं मिली। आसपास तलाशने पर पता चला कि कार चोरी हो गई, साथ ही कॉलोनी के कई लोगों की कारों से चोरों ने लॉक तोड़कर चोरी की कोशिश की। कालेबाग के अंदर रहते हैं, काले कोठी नंबर 6 गाड़ी रात को जैन बाहर खड़ी हुई थी। रात को 10:30 बजे देखी, 10:30 बजे गाड़ी गायब थी। सुबह देखी हमने गाड़ी गायब, रात को आई सब, उसके बाद सबने अपनी अपनी गाड़ियां देखी, 8-10 गाड़ियों ताले टूटे हुए थे और एक गाड़ी की में भी कैश वैश निकाल लिया और वो बैग वैग लेके चले गए थे। क्षेत्रवासी भरत टंडन ने बताया कि कॉलोनी के राज कपूर, संतोष कुमार टंडन, राजेंद्र सिंह, नवीन मेहरा, प्रतीक टंडन, राजकिशोर शर्मा सहित कई लोगों की कारों को चोरों ने निशाना बनाया, मगर कारों के लॉक तो तोड़ लिए लेकिन स्टेयरिंग लॉक तोड़ने में नाकाम रहे, जिससे कारें चोरी होने से बच गई। रात को यहाँ पर एक गाड़ी चोरी हुई तो सुबह पता लगा कि गाड़ी चोरी हुई तो सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां चेक करी तो सबके क्या काफी लोगों के, कम से कम 15 से 20 लोगों की गाड़ियों के ताले टूटे हुए थे, स्टेयरिंग के अंदर लॉक टूटे हुए थे, तो इस तरह से प्रॉब्लम इतनी हुई। सब कलेक्ट हुए, अब एसपी साहब को ज्ञापन देंगे कि भाई यहाँ पर गेस्ट बढ़ाएं। साहब मान के चलिए, आपको भी पता है कि आजकल अगर सेंट्रल लॉक ऑनडोर चेंज कराएंगे तो एक गाड़ी में चारों लॉक चेंज कराने 15,000 रुपए लगते हैं एक गाड़ी के, तो यहाँ तो 15 से 16 गाड़ियों का काम हुआ है और सामान भी गायब हुआ है, एक गाड़ी से तो 5,000 रुपए भी गायब हुए। पुलिस गश्त नहीं रहती है, तो यही हम एसपी साहब को कहेंगे, ज्ञापन दे रहे हैं, आज एसपी साहब के पास ही जाएंगे कि भाई यहाँ पर पुलिस गश्त जाब्ता करें या कुछ करें। पुलिस कार्यप्रणाली से गुस्सा स्थानीय नागरिक नरेंद्र कपूर ने बताया कि इस कॉलोनी के पास ही अनासागर पुलिस चौकी है, मगर आज तक कोई पुलिस की गश्त नहीं रहती, जिससे चोरों ने एक साथ इतनी गाड़ियों को अपना निशाना बना डाला। यहाँ पे जो चोरी हो रही है, एक तो पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, और करने वाले चोरी कर गया, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, देखेंगे सब, सोचेंगे हम कि क्या करना है। जब तक वो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगा, वो चोर जो ये गया वो गाड़ी यहीं रखेगा अजमेर में, वो पहुंचेगा जयपुर, ये यहाँ भी सोचेंगे देखेंगे साहब, ये है चौकी पास में है लेकिन गश्त कहाँ से करेंगे।